अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कोरमे की रेसिपी लाई हूँ, जो है शाहजहानी कोरमा। तो चलें आज इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजहानी कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है चिकन ले लिया है, और साथ में जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप जो है तली हुई प्याज ली है, उसके साथ मैंने थोड़े से यहाँ पर काजू और बादाम ले लिए हैं, ये दोनों मिला के तकरीबन हाफ कप जितने हैं। इसके अलावा मैं इसको बना रही हूँ घी में, तो ये मैंने लिया हुआ है देसी घी। आप चाहें तो ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। और इसमें खड़े मसालों में मैं शामिल कर रही हूँ तेज़पत्ता, दालचीनी, दो मोटी इलायची, बेदियान का फूल, चार जो है सब्ज इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, चार पाँच लौंग है, और एक पीस जो है जावित्री का है, और साथ वन टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 कप जितना दही, और आधा कप जितना मैं इसमें शामिल करूँगी दूध, और साथ में जो ड्राई मसाले हैं उनमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जो है ये ज़ीरा पाउडर है, और यहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून जो है मैंने रेगुलर हॉट चिली ली है, और साथ में मैं ले रही हूँ जायफल जलबत्री का पाउडर। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे गरम मसाला, काली मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चले आए इसको आगे कैसे बनाना है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज और दही को जो है अच्छा सा ग्राइंड करके इसका जो है पेस्ट सा बना के रख लूँगी प्याज का, और इसके अलावा फिर ये जो मैंने दूध लिया है इस दूध में मैं काजू और बादाम डाल के उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये दो काम हम पहले कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैंने एक पैन रख लिया और इसमें हम शामिल कर लेते हैं अपना घी, और घी को जो है थोड़ा गर्म कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब घी हमारा गर्म हो गया, तो सबसे पहले इसमें हम साबुत खड़े गरम मसाला डाल देते हैं, जिसमें ये तेज पत्ता है, बदियान का फूल और इलायची, काली मिर्च, लौंग। अब इन मसालों को थोड़ा सा हम इसमें कड़कड़ा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसको भी थोड़ा सा हम 1 मिनट तक अच्छा सा पका लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी चिकन को, और चिकन को डाल के हम अच्छा सा चिकन को कलर चेंज होने तक इसको भून लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें जो है मैंने ये दही और जो प्याज को पेस्ट का बनाया था इसको मैं शामिल कर दूँगी। और मैंने आंच जो है चूल्हे की तेज़ी रखी हुई है, क्योंकि चिकन जो है वह बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको इसलिए मैं ज़रा स्लो हीट पे नहीं पका रही। और अब जो है इसमें हम शामिल कर लेते हैं अपने खुश्क मसाले, और मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन क्यूब्स, तो ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप जो है नमक को शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है अभी इसमें सिर्फ जायफल जलबत्री, गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो मैं एंड में आगे शामिल करूंगी, वो अभी शामिल नहीं कर रही। बाकी ये मसाले मैंने शामिल कर लिए हैं, और अब इसको जो है इसके साथ अच्छा सा मिला के हम दही का पानी थोड़ा खुश कर लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दही के साथ भी इसको अच्छा सा भून लिया है। अब ये जो दूध, काजू और बादाम का पेस्ट मैंने बनाया था, अब इसको हम शामिल कर देते हैं इसमें, और अब इसके साथ भी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको जो है 5 से 10 मिनट अच्छा सा मैं भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गर्म मसाला, काली मिर्च, जायफल और जलगसरी का पाउडर। इन तमाम मसालों को भी हम शामिल कर लेते हैं बीच में, और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। और साथ अब आप जितनी इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास जितना पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको तकरीबन आप लो हीट पे रख के और तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह इसको मैं कुक होने दूँगी। और साथ ही जो है इसमें हम शामिल कर देते हैं केवरा वाटर,
जो मैंने 1 टीस्पून लिया था वो भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसको अब जो है मैं ढक के 15 मिनट के लिए दम पे पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट इसको मैंने ढक के पका दिया था और ये अब हमारा मज़ेदार जो है शाहजहानी कोरमा बनके तैयार है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पत्ती, साथ में मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी अदरक और थोड़े से काजू बादाम हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब जो है इसको मैं डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार शाहजहानी कोरमा बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।